गुड मॉर्निंग बच्चों, आज हमारा न्यू टॉपिक जो हिस्ट्री का नेक्स्ट पार्ट है वो है न्यू सोशल एंड पॉलिटिकल ग्रुप्स। अब कौन से नए नए सोशल और पॉलिटिकल ग्रुप्स डेवलप हुए उस टाइम पीरियड में 700 टू 1750, क्योंकि हम 1000 ईयर्स की बात कर रहे हैं, उन 1000 ईयर्स में कौन कौन से सोशल और पॉलिटिकल ग्रुप फॉर्म हुए। द स्टडी ऑफ द 1000 ईयर्स बिटवीन 700 एंड 1750 is a huge challenge to historians, largely because of the scale and variety of developments that occurred over the period. अब जो हम स्टडी कर रहे हैं इन 1000 ईयर्स की 700 से लेके 1750 तक, ये एक ह्यूज चैलेंज, ये एक बहुत बड़ा चैलेंज था हिस्टोरियंस के लिए जो हिस्ट्री की खोज कर रहे थे। क्यों? क्योंकि उस टाइम पे लार्ज स्केल ऑफ वैरायटी ऑफ डेवलपमेंट्स हो रही थी, वहाँ पे बहुत सारी डेवलपमेंट्स हो रही थी उस टाइम पे लार्ज स्केल्स में, मतलब व्हील वाज इन्वेंटेड, उसके बाद नई नई खाने की चीज़ें सामने आ रही थी, लोग नई नई इनोवेशंस ला रहे थे, नए नए ग्रुप्स फॉर्म हो रहे थे, तो हर चीज़ जो है वो नई नए सिरे से आ रही थी और एक नई नई चीज़ों की खोज हो रही थी उस टाइम पे। तो हिस्टोरियंस के लिए बहुत ही मुश्किल हो गया था इन सब चीज़ों को देखना, उनके लिए चैलेंज हो गया था ये। एट डिफरेंट मूवमेंट्स इन दिस पीरियड न्यू टेक्नोलॉजीज मेड देयर अपीयरेंस। अब डिफरेंट मूवमेंट्स पे, अलग अलग मूवमेंट्स पे इस काल में क्या हो रहा था, न्यू टेक्नोलॉजी आ रही थी, न्यू टेक्नोलॉजी मेड देयर अपीयरेंस, उनका अपीयरेंस हो रहा था, वो लोग अभी न्यू टेक्नोलॉजी वहाँ पे अपीयर हो रही थी, लाइक द पर्शियन व्हील इन इरिगेशन। जैसे इरिगेशन में अब क्या यूज़ हो रहा था, पर्शियन व्हील यूज़ हो रहा था, द स्पिनिंग व्हील इन वीविंग एंड फायर आर्म्स इन कम्बैट। अब पर्शियन व्हील इरिगेशन में यूज़ हो रहा था, स्पिनिंग व्हील वीविंग के लिए यूज़ हो रहा था, बुनने के लिए, एंड फायर आर्म्स इन कॉम्बैट, और कॉम्बैट और कॉम्बैट मतलब लड़ाई के लिए फायर आर्म्स का यूज़ हो रहा था। न्यू फूड्स एंड बेवरेजेस अराइव्ड इन द कॉन्टिनेंट। अब नए नए खाना और जो खाने के साथ में चाय वगैरह जो होती है उसके लिए नई नई चीज़ें जो हैं, बेवरेजेस जो हैं वो उत्पन्न हो रहे थे, आ रहे थे सब कॉन्टिनेंट में। अब कौन कौन सी चीज़ें आ रही थी, लाइक पोटैटो, कॉर्न, चिलीज, टी एंड कॉफ़ी, ये सब क्या हुआ, अराइव हो गए कहाँ पे, सब कॉन्टिनेंट में इनका अराइवल हो गया। नाउ रिमेंबर दैट ऑल दीज इनोवेशंस, न्यू टेक्नोलॉजीज एंड क्रॉप्स केम अलॉन्ग विद पीपल हु ब्रॉट देयर अदर आइडियाज विद देम एज वेल। अब ये नई टेक्नोलॉजी जो थी, नई फसलें जो थी, ये किसके साथ आई, उन लोगों के साथ जिन्होंने नए नए आइडियाज भी अपने साथ लाए। एज अ रिजल्ट दिस वॉज अ पीरियड ऑफ इकोनॉमिक, पॉलिटिकल, सोशल एंड कल्चरल चेंजेस। अब ये जो काल था ये कैसा था, ये जो पीरियड था ये क्या था, इसके अंदर नई नई चीज़ें आई, नई इकोनॉमिक फॉर्म्स आए, न्यू पॉलिटिकल फॉर्म्स आए, सोशल एंड कल्चरल चेंजेस भी आए। तो हर एक चीज़ अपने अपने टाइम, अपनी अपनी तरीके से चेंज हो रही थी, कैसे वैल्यूज़ चेंज हुई चीज़ों की, कैसे कैसे पॉलिटिकल रिफॉर्म्स फॉर्म हुए, कैसे कैसे सोशल रिफॉर्म्स फॉर्म हुए, रिलीजियस और कल्चरल। यू विल लर्न अबाउट सम ऑफ दीज चेंजेस इन चैप्टर्स 5, 7 एंड 6 एंड 7। अब इन चेंजेस के बारे में हम बाद में पढ़ेंगे, 5th, 6th और 7th चैप्टर में। दिस वॉज ऑल्सो अ पीरियड ऑफ ग्रेट मोबिलिटी। अब ये जो पीरियड था एक ग्रेट मोबिलिटी के लिए भी था, लोग इधर उधर ट्रैवल भी करते थे। ग्रुप्स ऑफ पीपल ट्रैवल्ड लॉन्ग डिस्टेंसेज इन सर्च ऑफ अपॉर्चुनिटी। वो अपॉर्चुनिटी के लिए, खोज करने के लिए, चीज़ों को देखने के लिए, समझने के लिए एक जगह से दूसरी जगह पे ट्रैवल कर रहे थे, लॉन्ग डिस्टेंसेज ट्रैवल कर रहे थे, थ्रू सी, थ्रू रोड, लंबे लंबे डिस्टेंसेज को ट्रैवल कर रहे थे। द सब कॉन्टिनेंट हैज़ इमेंस वेल्थ एंड पॉसिबिलिटीज फॉर पीपल टू कार्व अ फॉर्च्यून। अब कॉन्टिनेंट में, हमारे सब कॉन्टिनेंट में क्या था, इमेंस वेल्थ थी, बहुत सारी दौलत थी, एंड पॉसिबिलिटीज फॉर पीपल टू कार्व आउट अ फॉर्च्यून, अपना फ्यूचर बनाने के लिए, अपना फॉर्च्यून बनाने के लिए बहुत सारी पॉसिबिलिटीज भी थी।
वन ग्रुप ऑफ द पीपल हु बिकेम इम्पॉर्टेंट इन दिस पीरियड वर द राजपूत्स। इस पीरियड में जो एक ग्रुप था पीपल का, लोगों का एक ग्रुप था जो कि उस टाइम पे पॉपुलर हो गया था, जो कि उस टाइम पे इम्पॉर्टेंट हो गया था, वो क्या था? राजपूत्स। अ नेम डिराइव्ड फ्रॉम राजपुत्रा। अब ये नेम कहाँ से लिया गया राजपूत का? राजपुत्रा। ये क्वेश्चन मैं पूछ सकता हूँ, वेयर फ्रॉम, वेयर डिड द राजपूत वर्ड केम फ्रॉम? इट केम फ्रॉम राजपुत्रा, द सन ऑफ द रूलर। राजपुत्रा का मीनिंग क्या है? द सन ऑफ द रूलर, राजपुत्रा। बिटवीन द 88th एंड 14th सेंचुरीज द टर्म वॉज अप्लाइड मोर जनरली टू अ ग्रुप ऑफ वॉरियर्स हु क्लेम्ड क्षत्रिया कास्ट स्टेटस। अब 8th सेंचुरी से लेके 14th सेंचुरी तक ये जो टर्म थी राजपूत, राजपुत्रा जो थी, वो क्या हुई? वर अप्लाइड मोर जनरली टू अ ग्रुप ऑफ वॉरियर्स। जो लोग लड़ते थे, जो वॉरियर्स थे, उनको ये टर्म दे दी गई, और जिनको बाद में क्षत्रिया कास्ट स्टेटस दिया गया। द टर्म इंक्लूडेड नॉट जस्ट रूलर्स एंड चीफ्टियंस बट also soldiers and commanders who served in the armies of different monarchs all over the subcontinent। अब ये जो term थी ये सिर्फ rulers के लिए नहीं थी, यहाँ जो chief थे groups में army में उनके लिए नहीं थी, but जो कि soldiers थे या जो command करते थे वो भी, army में जो command करते थे और soldiers थे different different monarchs के ऑल ओवर द सबकॉन्टिनेंट, उनको भी ये टर्म दी गई। शिवैलरिक कोड ऑफ कंडक्ट, एक्सट्रीम वेलर एंड ग्रेट सेंस ऑफ लॉयल्टी वर द क्वालिटीज एट्रीब्यूटेड टू राजपूत्स बाय देयर पोइट्स एंड बार्ड्स। अब एक शिवैलरी होती है, जब लड़ाई के टाइम पे कोई योद्धा की तरह लड़ता है, तो उस चीज़ के लिए, उस कंडक्ट के लिए, उनकी लॉयल्टी के लिए, उनका साहस के लिए, उनकी क्वालिटीज़ जो है वो राजपूत में दर्शाई गई, उनके पोइट्स के द्वारा, उनके बार्ड्स के द्वारा। अदर ग्रुप ऑफ पीपल सच एज मराठाज, सिक्स, जाट्स, एहोम्स एंड कयाथाज, कास्ट ऑफ स्क्राइब्स एंड सेक्रेटरीज ऑल्सो यूज द अपॉर्चुनिटीज ऑफ द एज टू बिकम पॉलिटिकली इम्पॉर्टेंट। अब जो दूसरे ग्रुप इसके अंदर ऐड हुए, जो फॉर्म हुए, पॉलिटिकली अपनी इम्पॉर्टेंस बनाई, वो थे मराठास, सिख, जाट्स, अहोम्स, कयास्थास। इसके बाद थ्रू आउट दिस पीरियड देयर वॉज अ ग्रेजुअल क्लियरिंग ऑफ फॉरेस्ट एंड एक्सटेंशन ऑफ एग्रीकल्चर, अ चेंज फास्टर एंड मोर कंप्लीट इन सम एरियाज। थ्रू आउट इस पूरे पीरियड में क्या हुआ? ग्रेजुअल क्लियरिंग ऑफ फॉरेस्ट, फॉरेस्ट को क्लीन कर दिया गया, फॉरेस्ट क्लीन होते रहे, लोगों ने एग्रीकल्चर करने के लिए, अपनी खेती करने के लिए बहुत सारे एरिया को जल्दी 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 से क्या किया, ख़त्म कर दिया गया फॉरेस्ट को, और वहाँ पे क्रॉप्स लगाना स्टार्ट कर दिया गया, पेड़ों को काटना शुरू कर दिया गया था और क्रॉप्स लगाना स्टार्ट कर दिया गया उनको रहने के लिए। चेंजेस इन द हैबिटेट फोर्स्ड मैनी फॉरेस्ट ड्वेलर्स टू माइग्रेट। अब क्योंकि जो फॉरेस्ट में रहते थे उनके लिए मुश्किल हो जाता था, तो उनके लिए क्या हुआ, हैबिटेट जो है उनको चेंज करना पड़ा, क्योंकि जिनको फॉरेस्ट में रहने की आदत थी, उनके ही गुजारने की आदत थी, अपना कैसे काम करना था, वो लोगों को वहाँ से शिफ्ट होना पड़ा और वो लोग अपनी जगह को छोड़ के चले गए। अदर्स स्टार्टेड टिल्टिंग द लैंड एंड बिकेम पेजेंट्स। बाकी वाले ने बुआई करना स्टार्ट कर दी लैंड के साथ और पेजेंट्स बन गए। क्या बन गए? पेजेंट्स। उसके बाद दीज न्यू ग्रुप, पेजेंट ग्रुप
न्यू पेजेंट ग्रुप ग्रेजुअली बिगेन टू बी इन्फ्लुएंस्ड बाय रीजनल मार्केट्स, चीफ्टियंस, प्रीस्ट्स, मोनास्ट्रीज एंड टेम्पल्स। अब ये नया जो किसानों का ग्रुप था, पेजेंट्स का ग्रुप था, ये क्या हुआ, ग्रेजुअली इन्फ्लुएंस होने लगा। किससे? रो रीजनल मार्केट्स थे, वहाँ पे चीफ्टन से, प्रीस्ट से, मोनास्ट्रीज थी, टेम्पल्स थे, उनसे क्या हुए, इन्फ्लुएंस होने लग गए। अब दे बिकम ए पार्ट ऑफ लार्ज कॉम्प्लेक्स सोसाइटीज एंड वर रिक्वायर्ड टू पे टैक्सेस एंड ऑफर गुड्स एंड सर्विसेज टू लोकल लॉर्ड्स। अब ये क्या हुआ है, ये कॉम्प्लेक्स सोसाइटी का पार्ट बन गए और फिर टैक्सेस पे करने लगे, किसके लिए, गुड्स एंड सर्विसेज के लिए। ठीक है, जो चीज़ें वो यूज़ करते थे, जो सर्विसेज वो यूज़ करते थे, किसकी सर्विसेज, जो उस टाइम पे लोकल लॉर्ड्स होते थे उनको सर्विसेज ग्रांट करने लग गए, उनको टैक्सेस ग्रांट करने लग गए, टैक्सेस देने लग गए। उसके बाद सम पोजेस्ड मोर प्रोडक्टिव लैंड, अदर्स ऑल्सो कैप्ट कैटल्स एंड सम कंबाइंड आर्टिशन वर्क्स विद एग्रीकल्चर एक्टिविटी ड्यूरिंग द लीन सीजन। अब कुछ लोगों ने क्या किया, मोर प्रोडक्टिव लैंड बनाए, उन्होंने और ज़्यादा लैंड को प्रोडक्टिव बनाया, कुछ लोग कैटल्स का काम करने लग गए, कुछ आर्टिस्ट बन गए, आर्टिशनल वर्क करने लग गए एग्रीकल्चर के साथ के ड्यूरिंग द लीन सीजन। लीन सीजन सीजनल के टाइम, हर एक सीजन के टाइप से। एज सोसाइटी बिकम मोर डिफरेंशिएटेड, पीपल वर ग्रुप्ड इनटू जातीज और सब कास्ट एंड रैंक ऑन द बेसिस ऑफ देयर बैकग्राउंड। जैसे जैसे सोसाइटी जो है आने लगी और डिफरेंशिएट होने लग गए लोग, कैसे, उनको ग्रुप्स में बांटे जाने लग गया जातीज के हिसाब से, जिसको सब कास्ट कहते हैं, एंड रैंक्ड ऑन द बेसिस ऑफ देयर बैकग्राउंड, और उनको अपने बैकग्राउंड के हिसाब से क्या किया, रैंक कर दिया गया, एंड अदर ऑक्यूपेशन, और बैकग्राउंड के हिसाब से और उनकी कामकाज के हिसाब से। रैंक्स वर नॉट फिक्स्ड परमानेंटली, जो रैंक उनको दिए जाते थे, जो ओहदा उनको दिया जाता था, वो परमानेंटली फिक्स नहीं किया गया था, एंड वेरीड अकॉर्डिंग टू द पावर, और जैसे जैसे पावर बदलती थी वैसे ही रैंक भी बदल जाते थे। Influence and resources controlled by members of the jati. A power, influence और resources जो कि जाति के member जो होते थे वो control करते थे, वो उन चीज़ों को rank को change कर सकते थे अपने मुताबिक। The status of some jatis could vary from area to area. अब जो जातीज का status है वो एक area से दूसरे area में move करने पे change हो जाता था उनका status। कोई गरीब भी हो सकता था, कोई अमीर भी हो सकता था। जातीज फ्रेम्ड देयर ओन रूल्स एंड रेगुलेशंस टू मैनेज द कंडक्ट ऑफ देयर मेंबर्स। और जो जाति बनी हुई थी वो अपने अपने रूल्स और रेगुलेशंस मैनेज करते थे अपने मेंबर्स के साथ, सबके लिए अलग अलग रूल्स एंड रेगुलेशंस थे। These regulations were enforced by the assembly of elders described in some areas as the jati panchayat. अब जाति पंचायत क्या करती थी, एक अलग अलग एरियाज की अलग अलग जाति पंचायत हुआ करती थी, और वहाँ के जो elders होते थे वो कुछ rules and regulations को बनाते थे जिनको enforce किया जाता था। बट जातीज वर ऑल्सो रिक्वायर्ड टू फॉलो द रूल्स ऑफ देयर विलेज। और जो जातीज थी उनको भी क्या किया जाता था, उनको भी रिक्वायर्ड था कि रूल्स जो भी बना रहे हैं उनको फॉलो करें, तो जातीज भी उनको फॉलो करती थी। सेवरल विलेजेस वर गवर्न्ड बाय अ चीफ्टन। अब जो चीफ्टन होता था वो क्या करता था, वही एक विलेज नहीं, वो दो तीन विलेजों को एक साथ हैंडल किया करता था, उनको गवर्न करता था। टुगेदर दे वर ओनली वन स्मॉल यूनिट ऑफ अ स्टेट।
इकट्ठा मिला के वो एक स्टेट की एक यूनिट होते थे, मतलब टोटल विलेजेस को मिला के एक यूनिट होती थी टोटल, जिसको यूनिट ऑफ स्टेट कहा जाता था। अब है रीजन एंड एम्पायर, कैसे रीजन और एम्पायर्स कौन कौन से थे उस टाइम पे, कैसे कैसे चेंजेस हुए। लार्ज स्टेट्स लाइक दोज ऑफ द चोलाज, तुगलक्स और मुगल एंकम्पासेस मैनी रीजन्स। अब चोलाज, तुगलक्स और मुगल्स जो थे उन्होंने बहुत सारे इलाके को कवर कर दिया था। संस्कृत प्रशस्ति प्रेजिंग द दिल्ली सुल्तान ज्ञानुद्दीन बलबन एक्सप्लेन दैट ही वॉज द रूलर ऑफ अ वास्ट एम्पायर दैट स्ट्रेच्ड फ्रॉम बंगाल टू द ईस्ट टू गजनी इन अफगानिस्तान इन द वेस्ट एंड इंक्लूडेड ऑल ऑफ साउथ इंडिया। अब उस टाइम पे इन जगहों के नाम अलग थे, जैसे आप देखोगे दिल्ली का सुल्तान उस टाइम पे कौन था, गियासुद्दीन बलबन, ध्यान से देखिएगा GHIYASUDDIN गियासुद्दीन बलबन, और इसका रूल था 1266 से लेके 1287 तक। उसने क्या किया, उसने एक्सप्लेन किया दैट द मतलब उसका जो पीरियड था, टाइम पीरियड, उसने कितने एरिया पे रूल किया था उस टाइम पे। उसका एक वास्ट एम्पायर था जो कि बंगाल, उस टाइम पे उसको गोड़ा कहते थे, बंगाल से लेके गजनी तक, ईस्ट ऑफ गजनी, उस टाइम पे गजाना था अफगानिस्तान में जो गजाना नाम था, अभी गजनी है, इन द वेस्ट, वेस्ट में गजाना तक, एंड इंक्लूडेड ऑल द साउथ इंडिया, और सारा का सारा साउथ इंडिया उस टाइम पे द्रविड़ पीपल ऑफ डिफरेंट रीजन्स, जो लोग थे इन डिफरेंट रीजन्स के, गोड़ा, आंध्रा, केरला, कर्नाटका, महाराष्ट्र एंड गुजरात, अपेरेंटली फ्लेड बिफोर देयर आर्मीज। वो उनके सामने जो डिफरेंट डिफरेंट रीजन्स के, उन्होंने क्या किया, अपनी आर्मीज बनाना स्टार्ट कर दी थी। हिस्टोरियंस ये आप देख सकते हैं नीचे जगहों के नाम दिए गए हैं, क्या क्या जगह थी उस टाइम पे, कौन कौन से नाम से थी, और ये उनकी प्लेसेस बताई गई है, 1, 2, 3, 4, 5 देखिए ये सारी प्लेसेस बताई गई हैं, और ये नीचे उनको डिस्क्राइब किया गया है कैसे उनको बोलते थे। हिस्टोरियंस रिगार्ड दीज एज एग्रीगेटेड क्लेम्स ऑफ रिकनक्वेस्ट, एट द सेम टाइम दे ट्राई टू अंडरस्टैंड व्हाई रूलर्स केप्ट क्लेमिंग टू हैव कंट्रोल ओवर डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द सब कॉन्टिनेंट। अब उसी टाइम पे जो हिस्टोरियंस जो थे वो क्या करते थे, क्लेम्स ऑफ कॉन्क्वेस्ट, उन्होंने क्या किया, एग्रीगेटिव क्लेम, मतलब जो भी जो हिस्टोरियंस थे उन्होंने इन जगहों को क्या बोला उस टाइम पे, जिन्होंने इनको जीता हुआ है। एट द सेम टाइम दे ट्राई टू अंडरस्टैंड व्हाई रूलर्स केप्ट क्लेमिंग टू हैव कंट्रोल ओवर डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द सब कॉन्टिनेंट। उसी टाइम पे वो ये भी समझने की कोशिश कर रहे थे कि कैसे रूलर्स जो हैं वो क्लेम करते रहते हैं कंट्रोल को अलग अलग जगह पे, सब कॉन्टिनेंट पे अलग अलग जगह पे कैसे कैसे रूलर्स अपना क्लेम करते हैं, कैसे कैसे वो एक जगह पे रूल करते हैं और कैसे वो अपनी जगह को गवर्न करते हैं। अब लैंग्वेज एंड रीजन, लैंग्वेज और रीजन क्या थे। इन 1313 द पोइट अमीर खुसरो नोट दैट देयर वॉज अ डिफरेंट लैंग्वेज इन एवरी रीजन ऑफ दिस लैंड। अमीर खुसरो ने 1318 में ये डिस्कवर किया, ये देखा कि
अलग अलग जगहों पे अलग अलग लैंग्वेज बोली जाती है, जैसे सिंधी, लाहौरी, कश्मीरी, वारसमुद्री जो कि कर्नाटका में बोली जाती थी, तेलंगानी आंध्र प्रदेश की, गुजरी गुजरात की, मबारी तमिलनाडु, गौरी बंगाल, अवधी ईस्टर्न उत्तर प्रदेश एंड हिंदवी जो कि दिल्ली में बोली जाती थी। अमीर खुसरो वेंट ऑन टू एक्सप्लेन दैट इन कॉन्ट्रास्ट टू दीज लैंग्वेज देयर वॉज संस्कृत विच डिड नॉट बिलोंग टू एनी रीजन। अब उन्होंने देखा कि इन लैंग्वेजेस के अलावा एक जो संस्कृत थी वो ऐसी लैंग्वेज थी जो किसी भी रीजन को फॉलो नहीं, किसी भी रीजन को बिलोंग नहीं करती थी, वो कॉमन लैंग्वेज थी उस टाइम पे जो हर इंसान जानता था। इट वॉज एन ओल्ड लैंग्वेज, वो सबसे पुरानी भाषा थी जो कि हर एक इंसान जानता था। कॉमन पीपल डूड नॉट नो इट, ओनली द ब्राह्मणास डू। संस्कृत जो है वो कॉमन जो लोग थे, जो उस टाइम पे आम आदमी थे, वो लोग उसको नहीं जानते थे, सिर्फ जो ब्राह्मण्स थे वही इनको जानते थे। मेक अ लिस्ट ऑफ द लैंग्वेजेस मैंशनड बाय अमीर खुसरो, प्रिपेयर अनदर लिस्ट ऑफ द नेम्स ऑफ लैंग्वेजेस स्पोकन टूडे इन द रीजन ही मैंशनड। जिन रीजन्स को उसने बात की है उन रीजन्स में पहले क्या लैंग्वेज बोली जाती थी और आज क्या लैंग्वेज बोली जाती है उसका एक नोट बनाइए और दिखाइए कि आज क्या लैंग्वेज बोली जाती है और उस टाइम पे क्या लैंग्वेज बोली जाती थी। और आप भी देखेंगे कि टाइम के साथ जो है वो लैंग्वेज जो है वो चेंज हो जाती है। By 700, many regions already possessed distinct geographical dimensions. अब 700 years तक, जो 700 AD था उस टाइम तक बहुत सारे regions ने क्या कर दिया था, अपना अपना geographical dimension बना लिया था and their own language and cultural characteristics. अपना अपना geographical dimension, अपनी अपनी language और culture वो सब बना लिया गया था, पोजेस कर लिया गया था। यू विल लर्न मोर अबाउट दीज इन चैप्टर 9। अब इन चीज़ों के बारे में आप चैप्टर 9 में पढ़ेंगे। दे वर ऑल्सो एसोसिएटेड विद स्पेसिफिक रूलिंग डायनेस्टीज। अब वो एक रूलिंग डायनेस्टीज से एसोसिएट किए जाते थे। ओके, देयर वॉज कंसिडरेबल कन्फ्लिक्ट बिटवीन दीज स्टेट्स। अब इन स्टेट्स के बीच में क्या था, आपस में कन्फ्लिक्ट हो गए थे, झगड़े और मतलब एक दूसरे के साथ मनमुटाव हो चुके थे। ओकेजनली डायनेस्टीज लाइक द चोलाज, खिलजीज, तुगलक्स एंड मुगल्स वर एबल टू बिल्ड एन एम्पायर दैट वॉज पैन रीजनल, स्पैनिंग डाइवर्स रीजन्स। अब जो चोलास थे, खिलजीज थे, तुगलक्स थे, मुगल्स थे, उन्होंने अपना एम्पायर बिल्ड कर दिया था बड़े बड़े रीजन के तौर पे, डाइवर्स रीजन बना दिया था और बढ़ाते जा रहे थे। नॉट ऑल ऑफ दीज एम्पायर्स वर इक्वली स्टेबल और सक्सेसफुल। ये जो सारे एम्पायर्स थे ये इक्वली स्टेबल नहीं थे और इक्वली सक्सेसफुल नहीं थे। कंपेयर फॉर एग्जाम्पल टेबल 1 इन चैप्टर 3 एंड 4, वट वॉज द ड्यूरेशन ऑफ रूल ऑफ खिलजीज एंड मुगल डायनेस्टीज। और आप देखेंगे इनका एक रीन था, इनका एक पीरियड था जिसमें इन्होंने रूल किया और उसी पीरियड में इन्होंने सब काम किए। और आप देखेंगे कि कैसे वो उनको होल्ड नहीं कर पाए कुछ एरिया को, वो कैसे जिन्होंने अच्छे टाइम के लिए रूल किया तो कैसे किया एक रूलर की हेल्प से। When the Mughal Empire declined in the 18th century, 18th century में क्या हुआ, Mughal Empire decline हो गया, it led to the re-emergence of regional states. तो जैसे ही Mughal Empire decline हुआ वैसे ही regional states जो थी, regional states जो थी वो emerge हो गई दोबारा से।
बट ईयर्स ऑफ इम्पीरियल पैन रीजनल रूल हैल ऑल्टर्ड द कैरेक्टर्स ऑफ द रीजन. अब इतने सालों तक जो रूल हुआ, इतने सालों तक जो पूरे एरिया पे रूल करते थे या एरिया को बढ़ाते जाते थे, उससे जो है रीजन्स का कैरेक्टर बन गया, उन लोगों को वैसे रहने की आदत बन गई. Across most of the subcontinents, the region were left with the legacies of the big and small states that had ruled over them. अब टाइम के साथ साथ जो है सब कॉन्टिनेंट जो है वो पूरे में क्या हुआ, रीजन्स विद द लेगेसीज, उनकी लेगेसीज बनना स्टार्ट हो गई कि कैसे कौन से रूलर ने कितनी देर तक रूल किया, कैसे रूल किया, क्या क्या ट्रेडिशंस लाए, उन ट्रेडिशंस को फॉलो करना स्टार्ट हो गए वो, और वही उनकी गवर्नेंस को अंदर मैनेजमेंट, उनकी इकोनॉमी, उनके कल्चर, हर चीज़ को देखा जाने लगा, हर चीज़ को फॉलो होने लगे. This was apparent in the emergence of many distinct and shared traditions. अब ये क्या था, बहुत जो नए नए different और shared traditions थे, लोग जिनको follow करते थे, उस वो emerge होने लग गए. In the realms of governance and the management of the economy, allied cultures and language. अब ये सारी चीज़ें भी, इसके साथ इकोनॉमी भी चेंज होने लगी, कल्चर भी चेंज होने लग गए, लैंग्वेजेस भी जो है वो इमर्ज होने लगी, नई नई चीज़ें इमर्ज होने लगी. थ्रू द थाउजेंड ईयर्स बिटवीन 700 and 1750, द करेक्टर ऑफ द डिफरेंट रीजन्स डिड नॉट ग्रो इन आइसोलेशन. जो अलग अलग लोग रीजन्स का करेक्टर था वो आइसोलेशन में ग्रो नहीं हुआ, ओके वो एक साथ ग्रो हुआ धीरे धीरे करके, उनमें बहुत सारे चेंजेस आए, ओके. एंड थ्रू द थाउजेंड ईयर्स द कैरेक्टर ऑफ डिफरेंट रीजन्स डिड नॉट ग्रो इन आइसोलेशन, आइसोलेशन में ग्रो नहीं हुआ, एक साथ ग्रो होता रहा. दीज रीजन्स फेल्ट द इम्पैक्ट ऑफ लार्जर पैन रीजनल फोर्सेज ऑफ इंटीग्रेशन विदाउट एवर क्वाइट लूजिंग देयर डिस्टिंक्टनेस डिस्टिंक्टिवनेस. अब इन रीजन्स में क्या हुआ, इम्पैक्ट जो कि इन पूरे लार्जर फोर्स का इम्पैक्ट जो था इंटीग्रेशन का, वो इस पूरे पैन रीजनल फोर्सेस में जो पैन रीजन में जो है इंटीग्रेशन का काम करने लग गया विदाउट लूजिंग द डिस्टिंक्टिवनेस. जो अलग अलग होने के बावजूद भी वो एक साथ इस चीज़ को फॉलो करने लग गए, एक साथ इन चीज़ों पे इम्पैक्ट होने लगा इन चीज़ों का. आज हम इतना ही रखेंगे, थैंक यू. अगर कोई क्वेश्चन होगा तो प्लीज़ पूछ लेना, मैसेज कर देना, आई विल ट्राई टू हेल्प यू आउट. और इसके नोट्स बना देना प्लीज़.